और अभी क्या हो रहा है कि आप जो नए उस गाने की जो रियल गाना था उस जिसको हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं उस गाने के और उस कंपोजर की भी हम एक एक्चुअली पता नहीं उसके साथ एक जस्टिस नहीं कर रहे हैं हम लोग. उन्होंने जो सोच करके वो उस गाने को बनाया होगा जो डिज़ाइन किया था, हम एक्चुअली पता नहीं कहाँ किस तरफ कौन सी दिशा में जा रहे हैं रिक्रिएशन करके. आई डोंट नो एंड आई एम वेरी अपसेट विद दिस. Started composing for a lot of time, काफी time से TV पे आए थे working for TV. तो मेरा पहला film जो था it was a Marathi film called काकन, which जिसके title track has won all the awards that year. Shankar Mahadevan has sung the song with Neha Rajpal and वो song has become one of the benchmark song. काफी लोगों ने पसंद किया. Neha has got the best female singer award all everywhere. Jitne bhi festivals mein, I was also nominated. Usi saal Ajay to has done Mauli, so that was also equally good song. Then our Paharganj is there. I'm working also on kuch aur bhi filmon ke gaane pe main kaam kar raha hu. Yeah, I mean, I was always looking forward to work with Kavita ji, and there has to be a song to match up to her style of singing and her singing. So when this first song of Paharganj came up and we were working, as I was saying, I had worked on a draft, a different melody, which was a little lighter in the sense, and jo movie ka situation tha, uske hisab se I was feeling it's not deep enough. Yeah. तो लिरिकली आई वॉज फीलिंग आई एम नॉट जस्टिफाइंग टू मेरे लिरिसिस्ट चली थी हैज रियली लाइक टू डन. तो व्हेन वी व्हेन आई वॉज रियली गॉट दिस न्यू मेलोडी तो फर्स्ट थिंग वाज दैट इसके लिए वी नीड अ वॉइस जो वो कैन की नीड दैट गाने का जो एक राग बेस फील है. बिल्कुल. तो कविता जी वॉज द मतलब शैली जी ऐसे कि हमें और सोचने की जरूरत नहीं है. बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन, इतनी प्यारी है कि कुछ पूछने को रहा ही नहीं कि फिल्म में कौन है, क्या स्टोरी है, क्या किसके ऊपर फिल्म आया जा रहा है. आई डिडंट आस्क एनीथिंग बिकॉज आई लव द मेलोडी एंड आई लव द लिरिक्स. और इतना खूबसूरत कंपोजिशन अभी तो बन नहीं रहे, तो जब कभी भी कुछ ऐसा चांस मिलता है तो बस लगता है कि हाँ उसी को गुनगुनाते रहो, उसी को गाते रहो. और रियली उसको, वरना क्या होता है, हम लोग जब भी कोई भी रिकॉर्डिंग करके आते हैं वो हफ्ते भर तक, यदि बहुत अच्छा है तो हफ्ते भर तक याद रहता है, देन अदरवाइज फिर भूल जाते हैं गाने. लेकिन कुछ कॉम्पोजिशन जैसे ये फीके फीके लगे वाला जो गाना है तो वो अभी तक जहन में, बिकॉज इट्स अ राग बेस्ड सॉन्ग और इतना अच्छा लिखा भी गया, इतनी अच्छी धुन बनी है. तो और जितने लोगों को मैंने भेजा तो सारे लोग बोले कि इसके लिए अच्छे से इसको शेयर करो, जिस तरीके से भी तुम लोग पीआर कर सकते हो वो करो, कि ये गाना मासेस तक पहुंचना चाहिए बिकॉज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मेलोडी आई है. तो देन वी हैव केप्ट इट ऑनेस्ट, हमने कोई ऐसे दिखावा नहीं रखा. हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट हर चीज जो गाने के जो ट्रैक पे जो म्यूजिक भी आप देखेंगे तो इट्स ऑल नेचुरल फ्लो में जो आ रहा है, जो आया थोड़ी रात पे बनाया हुआ गाना है, तो इट्स नेचुरली फ्लो पे जो आ रहा है वही वही है. बिल्कुल. मुझे लगता है इस साल का बेहतरीन काम था वो मन मर्जी, और उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला. लेकिन जो लोग पसंद करते हैं वो करते ही हैं, मतलब जिन्होंने उनको मोहब्बत की है उनके गानों को, मनमर्जी एल्बम को जो सुन रहे हैं वो सुन ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे कई बार लगता है कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो चीज़ अच्छी है बस वो अच्छे से यदि प्रमोट हो जाती है, जैसे कि पहाड़गंज के गाने हैं, उसको बस मासेस तक पहुंच जाए, फिर हमारी ड्यूटी ख़त्म. हमने गा दिया और मासेस तक पहुँचा दिया, फिर उनका पसंद करना ना करना उनके ऊपर है. अब जस्ट जो रही रीमिक्सेस की बात जो आप कह रहे हैं कि वो वाकई अनफॉर्चुनेट बहुत ज़्यादा हो गया है. और अभी क्या हो रहा है कि आप जो नए उस गाने की जो रियल गाना था उस जिसको हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं उस गाने के और उस कंपोज़र की भी हम एक एक्चुअली पता नहीं उसके साथ एक जस्टिस नहीं कर रहे हैं हम लोग. उन्होंने जो सोच करके वो उस गाने को बनाया होगा, जो डिज़ाइन किया था, हम एक्चुअली पता नहीं कहाँ किस तरफ कौन सी दिशा में जा रहे हैं रिक्रिएशन करके. आई डोंट नो एंड आई एम वेरी अपसेट विद दिस.
बेसिकली जितने मेरे गाने आए ना विद इन 6 या 7 मंथ में आ गए हैं, और कोइंसिडेंसली ऐसा मेरा तब कोई ऐसा गाना नहीं आया था जिससे कोई भी पैटर्न बने मेरा, पर वो वैसा ही इत्तेफाक ऐसा रहा कि सारे गाने ही मुझे ऐसे मिले जो पंजाबी जोन के थे, कि डांस भी था, लिटिल राजस्थानी के। और फर्स्ट मेरी एल्बम स्टार्ट हुई थी जब फिलौरी थी, तब भी उसका थोड़ा सा पंजाबी अंग था। फिर जब नेक्स्ट आया तो डांस आया मेरा, भंगड़ा डांस, तो पंजाबी एक ना ऐसा है कि वेडिंग हो या कुछ हो अपना, जहाँ भी मस्ती का मोड होता है तो फर्स्ट दिमाग में जाता है कि यार पंजाबी वेडिंग कहाँ चलती है ये, वैसा तो सिचुएशंस वैसी रही हैं। और एक जो पंजाबी फोक मेलोडीज़ हैं जो जो काफ़ी रिनाउंड नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। उस वजह से जब आप काम कर रहे होते बहुत सारे सर्कल में, तब लोग आपको उस जोन में कर लेते हैं। पर मेरे हिसाब से टूट जाएगा अपने आप ही है, जब मेरे और साथ कुछ कौन नए नए गाने आ रहे हैं आप देखेंगे आगे, तो वो हो जाएगा सही सारी चीज़ें। टू बी मोर ऑनेस्ट विद आवर म्यूजिक, दैट्स व्हाट आई फील, कि कोई भी ऐसा ना हो कि वी शुड ट्राई टू क्रिएट म्यूजिक फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक, नॉट टू कैटर टू समथिंग लाइक कि जो एक एक ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, नाउ यू हैव टू टेक द लेवल ऑफ द म्यूजिक अप, नॉट डाउन, नॉट डाउन, टू क्रिएट अ म्यूजिक दैट कैन टच योर सोल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर बहुत सालों तक, यू नो, नॉट द फ्लेवर ऑफ द वीक और फ्लेवर ऑफ द मंथ। आई ऑलवेज बिलीव कि मैं जो भी गाना करूँ शुड बी समथिंग दैट आई कैन लुक बैक लॉन्ग लेटर, एंड बिल्कुल आप 10 साल 20 साल के बाद यदि अपने गाने पीछे मुड़ के देखो, या हम बॉलीवुड के गाने मुड़ के देखें, तो हमें ये ना लगे कि यार हम लोगों ने क्या किया था, हम क्या देखे गए। दैट शुड बी द थिंग, दैट शुड बी थिंग, आई बिलीव कि और म्यूजिक शुड गेट मोर एंड मोर ऑनेस्ट। अभी एवरीबॉडी इज गोइंग टूवर्ड्स good expressions, people are looking at how well you can express, it's not about apne kitne sare suron mein khel kiya hai, it's about apne kitne light music to puri adaigi bhav ke upar hi hai, and I believe music also has to be the same thing, how much show off nahi hai music mein, aapne kitna us music ka requirement kya hai, what is the actual need of the thing, not over crowded kitne nibhaya usko, that's what I feel। aur isi mein ek baat hai ki म्यूज़िक जब हम मैं या डब करता हूँ पर्सनली, कहीं भी डब करना चाहता हूँ या कुछ भी होता है, तो फर्स्ट क्या लगता है कि अगर मेरी दादी है या मेरी नानी है जो म्यूज़िक कम समझती हैं, तो उनको सुन के अगर मैंने कोई वर्ड कहा उसमें जो मुझे कनेक्ट हुआ उस वर्ड में, तो उनको भी वही कनेक्ट होना चाहिए। तो कोशिश हमारा ये रहती है कि यार चाहे वो किसी भी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, अगर मैंने कुछ भी कहा है तो वो, अगर मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ और उनसे नहीं कनेक्ट हो रही, तो हमारे भाव में प्रॉब्लम है। और ये कभी गायकी से नहीं आती है, नहीं, 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 कि ये हम ऐसा गा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये जब तक उस भाव को वैसे कहेंगे नहीं ना। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स रहे हैं जिनका मैं बहुत इन्फ्लुएंस, जैसे उदित नारायण साहब रहे हैं, उनका एक आजा, तो आजा उनका ऐसा लगता कि वो बुला रहे हैं, तो ये उनके एक तरीके थे। कि और सुखविंदर साहब हैं, उनका जो पावरफुल था, जो उन्होंने कुछ भी अगर कुछ भी कहना के करें, अगर उन्होंने तो चल जा रहे सुल्तान, तो उनका जो एक लगता था कि यार चलो अब इंथुजियाज्म आ रहा है। ऐसे ही रोमांस के रफ़ी साहब थे, किशोर जी से कॉमेडी करते तो वैसे लगता था कि हंस ही रहे हैं, वो बस वो हंस रहे हैं। तो ये फील बहुत ज़रूरी है कनेक्ट होना लोगों से, कि यार जो हम कहना चाह रहे हैं वो हो जाए। सभी जो अच्छा काम कर रहे हैं सच्चा काम कर रहे हैं, आई एम रेडी टू सिंग फॉर एवरी वन, स्पेशली अजय जी। आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय एवरी स्मॉल थिंग, जितने भी चीज होते हैं, व्हेनेवर आई सी समबडी इज डूइंग समथिंग फ्रॉम हार्ट, मुझे वही इंस्पायर। बस 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 ऑनेस्टी इज माय संगीत, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। आई मीन इसीलिए पुरानी पोएट्री देख लो, पुराने सिंगर्स देख लो, उनके लिए कौन सी पीआर एजेंसी बैठी है, हम लोग अभी भी सुन रहे हैं बड़े गुलाम अली खान को सुन रहे हैं, नुसरत साहब को सुन रहे हैं। आई वाज वाचिंग फरीदा खान, ओ माय गॉड, एक वीडियो आया था कुछ ही दिन पहले, आई वाज आंखों से आंसू आ गए, देयर इज नो नथिंग, आई एम जस्ट सीइंग, सिर्फ हार्मोनियम तबले पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं, सो मेरे लिए हर इंस्पिरेशन यही है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो जो लिसनर्स बहुत सालों बाद भी अगर दे ही इज लिसनिंग, ही शुड बी मूव्ड बाय, बस दैट्स इट।
that's what most.